हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सॉल्यूशन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको वैल्यू ऑफ गुडविल ही पता करना है, बट यहाँ पे आपको बता रखा है अतुल और विपुल हेड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज। तो देखिए, अतुल और विपुल की एक फर्म है जिसमें इन्होंने क्या करा है, 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर ₹16,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री 15%। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट है वो 16,000 रुपीज है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना इंडस्ट्री का 15% है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑफ द 4 year purchase of profit in excess of profit 15% in the money invested. Calculate the valuation of goodwill. तो valuation of goodwill पता करनी है आपको, किस तरीके से पता करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे normal profit पता करना है। normal profit का formula होता है capital employed multiply normal rate of employed। कितनी capital employed है, 50,000 multiply normal rate of return बता रखा है 15%। तो 15 upon में 100 कीजिएगा, 15% है, ये आपके पास 7500 आएगा। ये आपके पास normal profit आ गया। अब आपको पता करना है super profit, average profit question में given है। super profit का formula हो जाएगा average profit minus normal profit, जो आपने अभी पता करा है। average profit question में 16,000 की बना, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये माइनस करके आपके पास 8500 आएगा। ये आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपको गुडविल पता करनी है। गुडविल कैसे पता करेंगे, आपको सुपर प्रॉफिट जो गिवन है 8500 रुपीज, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने ईयर की परचेज है, 4 ईयर की परचेज है, तो 4 ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8500 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 34,000 रुपीज आएगा। तो 34,000 रुपीज गुडविल है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।